ये नीचे हरियाली, ऊपर पहाड़, ये पानी। दिस इज द अनएक्सप्लोर्ड बिहार। इस साइड में आप ज्यादा मत देखो, ये बाकी का पार्ट आगे एक्सप्लोर होगा। मैं तो फाल्गुन नदी को घुस गया था, पता है क्यों? अरे गूगल मैप कहाँ ले चला गया। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। काफी दिन हो गए थे, काफी अरसा बीत गया था जब हम लोग कहीं पर निकले नहीं थे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी एक साथ। फ्रेश मॉर्निंग के साथ आपकी शुरुआत हुई है, लेकिन मेरी मॉर्निंग उतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि सुबह का प्लान था कि 6 बजे निकलना है, बट अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:30 से भी ज्यादा हो गया यार, क्या बताऊँ। देखो यहाँ पे ये बहुत दिनों बाद निकला, बहुत दिनों से राइड वाइड हो नहीं रही थी, लेकिन अब जो है ना कि इसका टाइम आ चुका है। अब भाई तुझे मेरे ऊपर फिट हो जाना है और फिर यहाँ से निकल जाना है। गेस करोगे हम लोग जा गाना है, क्योंकि इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि थोड़ा सस्पेंस खेला जाए। तो भाई साहब आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पर हम लोग जा रहे हैं और वो प्लेस आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि मुझे जैसी खबर मिली भाई कि थोड़ा सा चिल आउट करने का मौका मिल रहा है, वो भी वैसा जैसा कि हम बिहार से बाहर जाकर के जगहों पर करते हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहे, नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ, मैं जल्दी से निपटा लेता हूँ और फिर निकल पड़ते हैं भाई साहब। तो आपसे मिलते हैं सीधे सड़कों के ऊपर। काफ़ी अरसे के बाद एक लंबी राइड पर जा रहा हूँ, मतलब कि पटना से बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और बहुत दिनों बाद एक बार फिर से हाईवे पे आ करके ऐसा लगता है भाई साहब की ज़िंदगी वापस मिल रही है। मैं जब घर से निकला था तो सुबह निकलना था 6 बजे, लेकिन निकलते निकलते बज गया 10:30। जब मैं सड़क पर आया ना तो मुझे हैरानी इतनी ज़्यादा हुई कि मैं तो डर रहा था कि भाई साहब आज तो ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा होगा कि मैं पहुंचने में मुझे शाम हो जाएगी, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सबसे पहले टोल रोड क्रॉस करते हुए दनियावा के लिए, और दनियावा से फिर उसके बाद फिर इस्लामपुर, और इस्लामपुर के बाद आगे का रास्ता तय होगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस को भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ओफो मज़ा आता है ना, अभी से सोच करके, अभी से ख्यालों में मुस्कुरा रहा है मन। ये क्या भाई उल्टा आ रहा है यार, ये तो हद है भाई, मतलब कोई ध्यान ही नहीं है ये रोड पर कैसे चलना है, कहीं भी मोड़ दो, कहीं पर भी घुस जाओ। वाह एक तो भाई साहब हेलमेट नहीं, उस पर से ट्रिपल लोडिंग चला रहे हैं और उस पर से महिलाओं को पीछे बैठा रखा है, और उस पर से जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हाथ देने से सोचते हैं कि गाड़ी रुक जाएगी। अब बताओ ये पॉसिबल है क्या? हाथ देने से गाड़ी रुक सकती है क्या? ये तो मशीन है भाई, अगर मैं रोकने की कोशिश करूंगा और अगर रुकते रुकते थोड़ा सा वक्त लग गया तो फिर तो कांड हो गया ना। तो इसलिए रोड सेफ्टी बिल्कुल अपने जहन में बिठा रखी है, हेलमेट वेलमेट पहनिए। ये राइडिंग जैकेट वैकेट पहन करके इतनी गर्मी में राइड करना, आप सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। वैसे मैंने थर्मल निकाल दिया गाड़ी पर। टोल बूथ 1 किलोमीटर अहेड। तो भैया टोल बूथ हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं सीधे फतुआ के लिए, और फतुआ के बाद फिर आगे वहाँ से दनियावा, हिल्सा, इस्लामपुर, एकंगरसराय, और समझ लो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहते ना मंजिल का पता नहीं, सफर का मजा लो। बस तो सफर का मजा लीजिए भाई। ये क्या बारिश, धूप में बारिश, व्हाट इज दिस? अच्छा ये स्वागत हो रहा है हमारा, स्वागत। अचानक से बारिश आ गई भाई, पता नहीं मेरे लेंस पे तो पानी नहीं चला गया ना। ये देखो ये सारे लोग रुक गए हैं बारिश की वजह से। उनसे मेरी जान पहचान नहीं थी, उन्होंने मुझे यूँ किया यूँ, बहुत ही अच्छा लगा यार, अंदर से बूस्टअप होता है। अभी हम लोग यहाँ से राइड हो जाएंगे, फिर आगे निकल जाएंगे दनियावा के लिए। ओके थैंक यू, नाइस टू मीटिंग यू। ओह नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू। भाई असिस्टेंट कमिश्नर है और उन्होंने बोला कि आई फॉलो योर यूट्यूब चैनल। काफ़ी अच्छा लगा यार। ओ भाई साहब ये होता है रोड सेफ्टी, कोई ख्याल ही नहीं है। तो बस के अंदर तो भरे ही ठूस के, बस के ऊपर भी भर के ले जा रहे हैं यार। चेतक को लग गई थी भूख और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डला रहे हैं भाई। रेट चल रहा है 108 रुपए, बढ़ता ही जा रहा है भाई। अभी तो यहाँ पर होगी रिफ्यूलिंग, और भैया हम जैसे गरीब ट्रैवलर्स के लिए तो पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। कैसे होगा, कैसे होगी जर्नी हमारी। दनियावा आने के बाद मछली की जो खुशबू है ना, आपके नाक में एकदम खलबली मचा देती है। होता है ऐसा सफ़र में होता है। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि मैं जिस रास्ते से गया था आपको याद होगा उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दनियावा से दो रास्ते कटते हैं, एक चला जाता है बिहार शरीफ की तरफ और एक जाता है हिल्सा की तरफ। अब थोड़ा सा भी अगर स्लिप होता है ना, मैं वहाँ पे जो पंडाल बना था उससे कंफ्यूज हो गया यार। इसी पूजा पंडाल जो बीच रोड पर बना है ना, इसी की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। देखा आपने ये दो रास्ते मैंने जाते वक्त दिखाया था आपको। चलो भैया देर से ही सही बटा तो गए रास्ते पर। इतनी जबरदस्त गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार। एक पेड़ की छाँव में मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, बहुत एक्सट्रीम वाली गर्मी है। इट्स लास्ट ऑफ अक्टूबर और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब बिलीव नहीं होता, कांट बिलीव दिस। कहाँ जा रहे हैं जस्ट गेस द लोकेशन। चेतक वहाँ पर खड़ा है, उसको थोड़ा सा भी रिलैक्स दे रहा हूँ। काफी खूबसूरत सा रोड है यार, बहुत ही अच्छा वाला व्यू आ रहा है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के साथ साथ हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कितना वक्त लगता है अभी हम लोगों को पहुँचने में, क्योंकि गर्मी तो एकदम फाड़ू है। वो पूरा धूल खा गया यार, पूरा धूल उड़ा के चला गया वो तो। आगे निकल रहे हैं इस्लामपुर के लिए, अप्रॉक्स 20 to 23 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ये फिर आ गया। ओ अंदर तक झोड़ देता है ये। एक और साइन आगे, एक और है क्या? ओ यहाँ पे एक और मिला। इस्लामपुर 20 किलोमीटर और एकंगरसराय 10 किलोमीटर है। मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि एकंगरसराय पहले या फिर इस्लामपुर पहले है, लेकिन एकंगरसराय पहले। इधर से जाने में हेलमेट पहनो यार, हेलमेट पहनो यार। कोई हेलमेट नहीं पहनता यार। कम से कम अपनी ज़िंदगी का ख्याल करिए। आपके घर पर आपके लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग एकंगरसराय पहुंच चुके हैं। काफ़ी डेवलप हो चुका है यार, यहाँ तो बहुत तगड़ा वाला मार्केट लग रहा है। तो भैया लीजिए इस्लामपुर में आपका स्वागत है। और वैसे राइड करते समय तो मज़ा आ रहा है, बट जहाँ पे स्पीड स्लो हो रही है ना वहाँ पे बस लंका लग जा रही है भाई। भैया ये पिजड़े में बकरी रखा है यार, खस्सी बकरी। अच्छा मीट बिकता होगा, बट पिजड़े के अंदर रखने का क्या तुक बनता है समझ में नहीं आ रहा। जगदम्बा द्वार इस्लामपुर, शायद अंदर में कोई मंदिर है। गूगल मैप के सहारे रहिएगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये देखो आप दिख रहा है आपको, दिस इज द फल्गु रिवर। और ये फल्गु रिवर के बीच में मुझे ला दिया। और ये देखो रास्ता बता रहा था कि बीच रिवर से जाना है मुझे, जबकि हम लोग को आगे से जो ब्रिज दिख रहा है आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, हम लोग को उससे जाना था। ये शॉर्टकट भारी पड़ जाता है यार। ये पूरा रिवर बेड है, देखो आप सामने आपको दिख रहा है वो जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, दैट्स द माउंटेन्स जहाँ पे हमें जाना है। और ये रहा बीच में फल्गु रिवर। और ये देखो ये कह रहा था कि रिवर में घुस के जाओ। हद है यार, गूगल मैप के सहारे आप लोग मच्छे लग रहे हो, ज्यादा चलोगे तो फंस जाओगे। मैं मिडिल ऑफ द रिवर पहुंच ही गया था यार, और आगे बीच में मुझे पानी दिखाई दिया, वहां से वापस ले रहा हूँ। ऑफ रोड करा दिया पूरा। चलो फिर आपसे मिलते हैं सीधा उस ब्रिज के ऊपर, और बाकी का एक्सप्लेनेशन वहीं पे दिया जाएगा आपसे। वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था यार, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मैं अभी फल्गु नदी के ऊपर हूँ। अभी इसके मुताबिक मुझे 6.1 किलोमीटर और जाना है और उसके बाद फिर आ जाऊंगा। लुक एट द रॉक्स, द माउंटेन्स, यही खासियत है यहाँ की। ज़्यादा दूर नहीं हमारा डेस्टिनेशन, बस पास ही में यहाँ से 6.5 किलोमीटर। और आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, आप सीधा चले जाओगे तो गया वाला रूट में चले जाओगे, नहीं, आपको वहाँ से खींच तरह से वाना मोड़ से अंदर आना है और फिर ये आ सकते हो आप। और दूसरा रूट तो आपको पता ही है, पटना गया रोड जो बन रहा है उस पर भी आप जाओगे तो वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। फिलहाल ये वाला व्यू बहुत ही खूबसूरत है। फल्गु रिवर में पानी बहुत कम ही समय रहता है, लेकिन अभी पानी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो मेरी आंखें देख रही हैं, पता नहीं मेरा कैमरा उसे जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं सुपर वाइड एंगल में। लुक एट द व्यू मैन, जस्ट लुक एट द व्यू। ये नीचे हरियाली, ऊपर पहाड़, ये पानी, कितना खूबसूरत वाला कॉम्बिनेशन बना रहा है। वाह, दिस इज द अनएक्सप्लोर्ड बिहार। जस्ट फील दिस वाइब। सूरज की किरणें इतनी ज़बरदस्त चेहरे पड़ रही कि चेहरा में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से बस हमारा डेस्टिनेशन थोड़ा सा और दूर है, तो सीधे मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पर जा करके। बस व्यू देख लो, व्यू, सारे पैसे इसी व्यू के हैं। बाबा नागार्जुनी किधर है? ये रास्ता जाएगा अंदर। एक एडवेंचर लवर को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, हर एक चीज़ जो रियल एडवेंचर लवर होगा। पहाड़ों में मेरा बसेरा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं हमारे एडवेंचर गुरु पुरुषोत्तम सर। हेलो, नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू। क्या बात, बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी। आइए। तो इस साइड में आप ज़्यादा मत देखो, ये बाकी का पार्ट आगे एक्सप्लोर होगा। बस आप ये जान लो कि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारी अभी तो चढ़नी शुरू हुई है, बाकी बहुत सारे एडवेंचर है जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इट्स रियली टफ। मैं तो फल्गु नदी में घुस गया था, पता है क्यों? अरे गूगल मैप कहाँ लेके चला गया, आगे गया तो नदी है सर। अच्छा। मैं ब्रिज ढूंढ रहा था, ब्रिज ढूंढते ढूंढते मैं नदी में घुस गया। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टू बी कंटिन्यूड।